हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऋषु के टिप्स। तो आज मैंने बनाया था बहुत ही सिंपल सा खाना। इतना लाजवाब है कि मैं क्या बताऊं। मैंने आज बनाई है, ये देखिए, फ्राइड दाल। ये है मेरे दाल वाले प्याज जो मैंने अभी कुछ दिन पहले बना के दिए थे रेसिपी में, और सिंपल चावल। और मैं इसे आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि आज मेरी दाल कैसे बनी है। तो पहले मैंने इसमें डाला नींबू, इस पे रखी मैंने अपनी अली प्याज, और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। यम्मी, बहुत बढ़िया बना है। ये इतनी टेस्टी लग रही है खाने में कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपको इसके आगे आप देख रहे हैं मेरी प्लेट में मुझे सब्जी की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए फटाफट से शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। मैंने 2 चम्मच इसमें देसी घी लिया है। घी का इसका तड़का बहुत टेस्टी होता है। ये हो जाएगा तो इसमें मैं 1/4 चम्मच डाल दूंगी जीरा। मैंने इसमें 2 कटी हरी मिर्च ली है। थोड़ा सा इसमें तीखा का जो फ्लेवर होता है ना, वो बहुत इसको टेस्ट को इन्हांस करता है। 1 चम्मच मैंने अदरक को ग्रेट कर लिया है। इसके साथ मैंने करीब 7 से 8 लहसुन को बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है, और 1/4 चम्मच हमें इसमें हींग लेनी है। सबसे पहले हमें लहसुन को इसमें गोल्डन कलर का करना है। इसको पहले हमने इसलिए डाला कि सारा जो फ्लेवर है लहसुन का, वो आपके इस तड़के में आना चाहिए। बस आप देखिए, लहसुन हमारा गोल्डन होने वाला है। डाल देंगे 1 मैंने प्याज लिया है बड़ी, उसको मैंने महीन काट लिया है। प्याज लहसुन नहीं खाते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसको बगैर भी आप इसे फॉलो करेंगे तो भी ये दाल बहुत अच्छी बनेगी। प्याज और लहसुन देखिए यहाँ पे हमारे हल्के से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे। मैंने 2 बड़े टमाटर को यहाँ पे फाइनली चॉप कर लिया है, क्योंकि दाल जो मैंने बनाई है उसमें ऑलरेडी मैंने नमक डाला है, तो सिर्फ तड़के का लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल नमक ऐड करना होगा। थोड़ा सा मैं इसके लिए नमक ऐड करूँगी। 1/4 चम्मच मैंने इसमें हल्दी यूज़ की है। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है। कुल 1/4 चम्मच लाल मिर्च। इन सबको अच्छे से हमें मैश करना है और थोड़ा सा फ्राई भी करना है, क्योंकि असली जो तड़के का जो फ्लेवर आता है, जितना अच्छा आपका मसाला इसका बनेगा, उतनी ही अच्छी फ्लेवर में आपकी दाल आएगी। साथ ही साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा कटा हरा धनिया भी डाल देंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में, जिससे इसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है। और ऐसा मसाला होगा तो इसमें 1 चम्मच हम पानी मिला देंगे। मसाला अच्छे से भून जाए, जले नहीं और थोड़ा सा वो गीला भी रहे। मसाला हमारा कितने अच्छे से मैशी हो चुका है। बहुत अच्छी इसमें सूंधी खुशबू आ रही है। जितना आप इसे फ्राई करेंगे ना, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अरहर की दाल घर पे बनाते हैं, इसको मैंने बना लिया है। आप चाहे तो अरहर और मूंग को भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने सिंपली अरहर की दाल बनाई है, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हरा धनिया अभी डालेंगे। अब हम इसे करीब 1 से 2 मिनट तक खोलने देंगे कि जो साथ में इसके मसाला मैंने डाला है वो अच्छे से फ्लेवर इन सब में मिल जाए। तो अब हम 1 से 2 मिनट इनको खोलने देंगे। दाल मेरी रेडी हो चुकी है, उसको मैंने बाउल में निकाल दिया है, और अब मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़के के लिए अगेन 1 चम्मच देसी घी, क्योंकि बिना देसी घी के तो दाल अच्छी नहीं लगती। हम 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे। 2 ऐसी सैगी सूखी वाली लाल मिर्चें डालेंगे। 1/4 चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तड़का हमारा हो गया है, हम इसे डालते हैं दाल पे। वाओ, और इसे हल्का सा कर देंगे यूं मिक्स। वाओ, कितनी बढ़िया लग रही है दाल। इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे थोड़े हरे धनिए से। क्या आगे किसी सब्जी की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय।